पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। सभी वर्गों के लोगों को भी तनाव मुक्त बनने का आह्वान। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में डायलॉग फॉर वुमेन लीडर्स विषय पर कार्यक्रम, बाल एवं महिला कल्याण मंत्री संदीप कुमार ने किया उद्घाटन। अभिनेता गुलशन गरोवर ने संस्था की गतिविधियों की ली जानकारी। रीवा के झीरिया में 5 दिवसीय विश्व शांति मेले का आयोजन, ऊर्जा एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लिया भाग। न्यायविद, प्रशासक, युवा समेत कई वर्गों के सम्मेलन में जुटे लोग। गुड़गांव में 3 दिवसीय राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम, आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की सलाह। पानीपत के शांति सरोवर में सांसद अश्विनी चोपड़ा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा ने किया अवलोकन। राजयोग सीखने की जताई इच्छा। और उल्हासनगर में समर कैंप का आयोजन, कई स्थानों से आए बच्चों ने लिया हिस्सा, कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों तथा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। संस्था के सुरक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रभाग के अध्यक्ष बीके अशोक गाबा, राष्ट्रीय समन्वयक बीके शुक्ला, कर्नल बीसी सती समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विकट परिस्थितियों में सेना के जवान देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी शरीर के संस्थानों के प्रयास से निश्चित तौर पर इस विकट समस्या से मुक्ति मिलेगी। एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ मौत अब आने से, और वो भी यहाँ ज्ञान सरोवर में, जैसे हम लोग का एक मन सरोवर है, तो मन सरोवर में जाने से शरीर को ठंडक मिलता है, यहाँ ज्ञान सरोवर में आने से दिमाग को ठंडक मिलता है। 3 दिवसीय इस सेमिनार के दौरान कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने तनावों के कारण तथा प्रबंधन के गुण सीखे। कई विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि राज्यों के जरिए जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इतना बड़ा आत्मिक बल हमारे पूर्वजों में, हमारी भारतीय संस्कृति में रहा है, तो उसी आत्मिक बल और उसी प्रेरणा को हमें आगे बढ़ाना है, और वो ही कार्य हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो कर रहा है। हम अपने जीवन के कर्मों में, अर्थात इन कर्म इंद्रियों से ऐसे श्रेष्ठ कर्म, सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, सदा हम अपने मुख से मीठा बोल बोले, जो सुने उसको अच्छा लगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू सेना के विमान से पोलो ग्राउंड पहुंचे, जहां संस्था के सदस्य, पालिका अध्यक्ष सुरेश थेंगर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निर्मला विश्नोई, उप पुलिस अधीक्षक प्रीति कोंकाणी समेत कई विशिष्ट लोगों ने अगवानी की। इसके पश्चात वे ज्ञान सरोवर के लिए रवाना हो गए। प्रस्थान के दौरान वे पोलो ग्राउंड में प्लांटेशन कर संस्था द्वारा हरियाली के किए जा रहे प्रयास की सराहना की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में डायलॉग फॉर वुमेन लीडर्स विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमार मंगलम, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रिजमोहन, महिला प्रभाग की अध्यक्षा बी के चक्रधारी, ORC की निदेशिका बी के आशा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बाल एवं महिला कल्याण मंत्री संदीप कुमार ने वर्तमान समय नारी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का कारण नैतिक व चारित्रिक पतन को बताया। इसके साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा स्वयं को सशक्त बनाने की बात कही। इस देश पे सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो औरत का ही है। उसका रीजन हम देश को भी भारत माँ कहते हैं। किसी भी देश के, किसी भी जाति के या किसी भी परिवार के जब संस्कार खत्म होने शुरू होते हैं तो उसका वैसे ही सर्वनाश हो जाता। फाइट फॉर एम्पावरमेंट इज अ फाइट फॉर इक्वालिटी, बिकॉज नो टू ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इक्वल।
but the fight for equality is more of a struggle for equal opportunity. कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने आत्मिक दृष्टिकोण द्वारा आत्मा की शक्ति को जागृत करने तथा चरित्रवान बनने के लिए प्रेरित किया. Civilized society means वो society जिसमें लोगों की civil eyes हैं. Civil eyes mean जहां पर अच्छी दृष्टि हर एक के प्रति है. कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य शमीमा शफीक, पूर्व आयुक्त रंजना कुमार समेत कई प्रतिष्ठित महिलाएं सम्मिलित हुई. जब तक हम शिक्षा को ठीक नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक हम वो लॉन्ग टर्म चेंजेस की बात नहीं कर पाएंगे. और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की नहीं हो सकती, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ परिवारों की भी नहीं हो सकती. हम अगर रूरल इंडिया की बात करें तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं जिन घरों में खाने के लिए नहीं है, जिनको ये ना पता हो कि उनको शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जहाँ पर माओं को घर से निकलना पड़ता है सुबह ये सोचकर कि मुझे मेरे बच्चे का पेट भरना है, वो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को कब और कैसे और क्यों देगी? तो वहाँ पर जिम्मेदारी सरकारों की ज़्यादा आती है. सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गुलशन गरोवर ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर का अवलोकन किया. इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बी के आशा ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया तथा राज्यों को दिनचर्या में शामिल कर तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी. इस दौरान गुलशन गरोवर संस्था की गतिविधियों को देख अभिभूत हो गए. यहाँ आ जाने में भी मेरा फायदा है और मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का. मध्य प्रदेश रीवा में झिरिया के TRS कॉलेज में 5 दिवसीय विश्व शांति मेले का आयोजन किया गया. मेले का आयोजन रीवा सेवा केंद्र द्वारा किया गया. इस अवसर पर ऊर्जा एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल, मेयर ममता गुप्ता, अपर संभागायुक्त KP राही, कलेक्टर राहुल जैन, रीवा सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला और BK अरुण समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की. मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मेले का अवलोकन कर सेवा केंद्र द्वारा निर्मित अमरनाथ के दर्शन किए. इसके साथ ही उन्हें निराकार परमात्मा शिव का संदेश दिया गया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मेले का आयोजन मानव को आध्यात्मिकता से जोड़े रखता है, जिस कारण वो सशक्त बन समस्याओं से लड़ता है. बच्चों में बचपन से ही संस्कार बनने का काम नहीं किया गया तो फिर वो न तो अच्छे युवा बन पाएंगे और न अच्छे नागरिक बन पाएंगे. और जब अच्छे युवा और अच्छे नागरिक तैयार नहीं होंगे तो हम एक समृद्धशाली समाज, समृद्धशाली भारत, शक्तिशाली देश का सपना सजोए हुए. हमने ये सपना सजोया हुआ है कि एक बार फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करना. शांति धाम सेवा केंद्र पर कई सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया, जिसमें न्यायविद, प्रशासक सम्मेलन, युवा सम्मेलन, समाज सेवी सम्मेलन, मीडिया सम्मेलन, कई प्रभागों का सम्मेलन हुआ. इस कार्यक्रम में भोपाल जोन की निदेशिका BK अवधेश भी उपस्थित रहीं. गुड़गांव पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा कम्युनिटी सेंटर पर 3 दिवसीय राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर ACP विजिलेंस LC यादव, RWA के अध्यक्ष भीम सिंह, पार्षद मोनिका यादव, सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस अवसर पर BK उर्मिल ने लोगों को तनाव से मुक्त रहने के गुर सिखाए. इसके साथ ही उन्होंने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए राज्यों को जरूरी बताया. इस दौरान डॉक्टर अवधेश शर्मा ने भी उपस्थित लोगों को बताया कि आध्यात्मिकता को अपनाने से जीवन तनाव मुक्त रह सुखमय बन सकता है. इसके साथ ही मन को भी स्वस्थ सकारात्मक विचारों से भरपूर करने पर भी जोर दिया. इस अवसर पर लोगों ने राजयोग से जीवन में होने वाले परिवर्तनों को अनुभवों के तौर पर साझा किया.
I started practicing this Rajyoga Meditation for 2 years and I have seen a tremendous change in my professional as well as personal life. लोगों को संस्था की गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। वही कार्यक्रम के अंत में बीके उर्मिल ने सभी को राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति कराई। ब्रह्मा कुमारी संस्था के उल्हासनगर सेवा केंद्र द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है। ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क में आयोजित इस कैंप का उद्घाटन उल्हासनगर के पूर्व डिप्टी मेयर जम्बू पुरुस्वानी, चांदीबाई कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल महेश गुरदासानी, योगा टीचर निशा, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सोम, कुरला कैंप रोड सेवा केंद्र प्रभारी बी के पुष्पा और छोटे बच्चों ने दीप जलाकर किया। अलग अलग जगहों से आए लगभग 500 से भी अधिक बच्चे इस कैंप का हिस्सा बने। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस कैंप में बच्चों को मेमोरी टेक्निक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेडिटेशन, पेंटिंग आदि कई सिखाई जाएंगी। इस कैंप में कोरियोग्राफर सागर गिदवानी ने बच्चों को डांस सिखाया जिसमें सभी बच्चों ने बड़े उमंग उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। कैंप में बच्चों को सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दौरान इनाम भी दिया गया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी मेयर जमरू पुरुस्वानी ने बच्चों को सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं समाज सेवक रमेश आहूजा ने भी बच्चों को सच्चाई पर चलना व समय का मूल्य समझना बताया। सत्य कर्म भाग्य को बदल देता है। झूठ और पाप बहुत तेज भागता है लेकिन जल्दी आ जाता है। इसके लिए हमेशा सत्य का साथ देंगे, सच्चाई से चलेंगे। इस दौरान बीके सोम ने सभी बच्चों को कैंप में आने की बधाइयां व शुभकामनाएं दी। इसके साथ सात्विक भोजन करने की भी बात कही। देवताओं की कितनी पूजा होती है क्योंकि उनके अंदर दैवी मैनर्स हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। जिनके अंदर दैवी मैनर्स नहीं है वो उनकी जाके पूजा करते हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं हमें भी ऐसा प्रसाद वहाँ से मिल जावे, और कुछ भी नहीं मांगते पर हमें शांति तो जरूर मिल जावे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मोहाली सेवा केंद्र द्वारा रिलैक्सेशन ऑफ माइंड विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाब पुलिस के आईजी एसके सिंह, माउंट आबू से वरिष्ठ आयोग शिक्षिका बीके उषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता समेत कई पदाधिकारी लोग शामिल हुए। इस अवसर पर एसके सिंह ने बीके उषा का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। मेडिटेशन के बारे में आपको व्याख्यान जो दिया, उसके अलावा जो चीजें आपको बताई हैं और प्रैक्टिकली आप लोगों से कराई हैं, जो है आपने खुद इस चीज को महसूस किया होगा। कार्यक्रम में बीके उषा ने उपस्थित लोगों को राजयोग से होने वाले लाभों की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने सकारात्मक विचारों को प्राप्त करने का स्रोत आध्यात्मिकता को बताया और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ स्वयं को शक्तिशाली बनाने की भी बात कही। राइट ब्रेन जो है फेमिनिन है, लेफ्ट ब्रेन जो है मैस्कुलिन है, जो लॉजिकली सोचता है, और राइट ब्रेन जो है इमोशनली सोचता है। कुरुक्षेत्र के लाडवा सेवा केंद्र द्वारा नशा एवं व्यसन मुक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन पीडब्ल्यूडी के एसडीओ पुनित मित्तल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बाबेन सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश समेत कई बीके सदस्यों ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर एसडीओ पुनित मित्तल ने कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया, जहां उन्हें ईश्वरीय संदेश के साथ साथ राज्यों की भी जानकारी दी गई। आयोजित प्रदर्शनी द्वारा स्थानीय लोगों को नशा एवं व्यसनों से होने वाले कुप्रभावों की भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही राजयोग द्वारा व्यसन मुक्त बने रहने की शिक्षा भी दी गई। शिविर में गुटखा, तंबाकू, शराब आदि व्यसनों को छोड़ने की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई, जहां हजारों लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया और सैकड़ों लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प भी लिया। छत्तीसगढ़ कोरबा के बालकों में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता द्वारा खुशहाल जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप सरपंच संतोष देवांगन, बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम का आयोजन गांव के नव निर्वाचित सरपंच एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बीके विद्या ने श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों से लोगों को अवगत कराया। श्रीमद् भगवद गीता, इसमें यह कोई सिर्फ एक हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है, ये वास्तव में मानवता का शास्त्र है, जो पूरे मानव के जीवन के कल्याण की बातें इसमें लिखी गई हैं। कार्यक्रम से पूर्व गांवों में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी ग्रामीणों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। पानीपत बवेल के नव निर्मित शांति सरोवर सेवा केंद्र पर सांसद अश्विनी चोपड़ा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा सहित अनेक विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर हुडा सेंटर से वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके ज्योति, राज्योग शिक्षिका बीके शिवानी और राज्योग शिक्षिका बीके पूनम ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। कार्यक्रम में अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि यहां आकर सच्ची शांति की अनुभूति हुई। इसके साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में संस्था का ये कदम सराहनीय है। इस दौरान बीके बहनों ने संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए ईश्वरीय संदेश दिया, जहां उन्हें राज्यों की शिक्षा भी दी गई। इस अवसर पर बहनों ने राज्यों का अभ्यास भी कराया। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर सेवा केंद्र का विधायक नंदामुरी बालकृष्ण ने अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्हें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुगंधा ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें संस्था की गतिविधियों की जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने सेवा केंद्र का अवलोकन कर परमात्मा अवतरण का संदेश प्राप्त किया। ग्वालियर के मालनपुर स्थित SRF लिमिटेड फैक्ट्री के ऑडिटोरियम में सकारात्मक दृष्टिकोण एवं व्यवहार विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने सकारात्मक विचारों से होने वाले लाभ की जानकारी दी तथा भूतकाल की बातों से सीख लेने, भविष्य की प्लानिंग करने के साथ ही वर्तमान में जीने की बात कही। इस दौरान फैक्ट्री के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण तनाव से दूर रखता है। कुछ बाहरी बातों के कारण हमारे गुणों में परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन वो हमारे गुण नहीं है। हमारे गुण है शांति, प्रेम, सुख, आनंद। ग्वालियर के इंदिरागंज सेवा केंद्र द्वारा भी माधव नगर पार्क में त्रिदिवसीय राज्योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी हरीश जैसवानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, बीके प्रहलाद समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर बीके प्रहलाद ने सभी को आत्मा निराकार परमात्मा शिव का संदेश और राज्योग की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने राज्योग द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने के भी गुर सिखाए। जितने भी दुनिया में सफल लोग हुए हैं उनकी जीवन कहानी पढ़ते होंगे तो उसमें उनकी कुछ विशेषताएं आती हैं। अगर वो विशेषताएं हम अपने जीवन में धारण कर ले तो हम भी हमेशा सफल हो सकते हैं। चंडीगढ़ के ढकोली सेवा केंद्र द्वारा ग्रीन वैली पार्क में मेमोरी मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेमोरी ट्रेनर बीके गौरव ने अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए पढ़ाई के दौरान इमेज, कलर, म्यूजिक और आर्ट का उपयोग करने की सलाह दी। आपके सामने किताब रखी हुई है, आप उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, ये मम्मा ने पकौड़े बनाए हैं, वो चल रहे हैं, आपको मालूम पड़े किताब में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सी आई की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, कौन सी आई की चाहिए, इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके साथ ही बच्चों को राज्योग अभ्यास भी कराया गया। हो चुका है, हम अपने आप को। ऐसे ही ढकोली सेवा केंद्र द्वारा ग्रीन वैली पार्क में ही नो योर हर्ट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैड के पंजाब जोन के संयोजक बीके एमपी अग्निहोत्री ने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए फीलिंग की बीमारी से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रतिदिन योगाभ्यास करने पर भी जोर दिया। उत्तराखंड के कोटद्वार सेवा केंद्र द्वारा स्कूली बच्चों के लिए नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। ORC के बीके मदन ने सभी को प्रोजेक्टर के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट किया।
और सभी को इनसे मुक्त रहने की प्रेरणा दी। वही कोटद्वार सेवा केंद्र की वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके ज्योति ने सभी स्कूली बच्चों को योग अभ्यास कराया। शिविर में लगभग 200 बच्चे मौजूद रहे। गुजरात के उदवादा सेवा केंद्र के वार्षिक उत्सव पर शिव संध्या संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किला पारदी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन तालुका पंचायत के अध्यक्ष आरसी पटेल, सरपंच धर्मेश पटेल, उदवादा सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके मीनल समेत कई वरिष्ठ लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर लोगों को दिव्य गीतों के माध्यम से जीवन को संगीतमय और स्वस्थ बनाए रखने की प्रेरणा दी गई। इंदौर के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में खुशनुमा जिंदगी विषय पर 2 दिवसीय तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। प्रकाश नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन आनंद नगर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश, पार्षद सीमा विरांग, छावनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा, माउंट आबू से नेचुरोपैथिस्ट बीके जमीला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने खुशनुमा जीवन जीने के लिए परचिंतन के बजाय स्वचिंतन करने की बात कही। हिमाचल प्रदेश के देहरा में राज्य स्तरीय वैसाखी मेले में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और परमात्मा का परिचय देकर राजयोग द्वारा उनसे सर्व गुणों व शक्ति प्राप्त करने का भी संदेश दिया। ओडिशा के झारसुगुड़ा के महाकाल मंदिर के वार्षिक महोत्सव के दौरान स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा चैतन्य देवियों की झांकियां सजाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्वनी समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने परमात्मा का परिचय दिया और राजयोग द्वारा देवी देवता समान शक्तिशाली बनने का आह्वान किया। हिसार के अमरदीप कॉलोनी में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक रणबीर सिंह गंगुआ, हिसार सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमेश समेत कई संस्था के सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान लोगों को ईश्वरीय संदेश और राज्यों की शिक्षा दी गई। पंजाब के कोटकापुरा सेवा केंद्र द्वारा मालके गांव में बैसाखी के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने उमंग उत्साह से इसमें हिस्सा लिया और हजारों लोगों को आत्मा परमात्मा के वास्तविक परिचय से अवगत कराया। नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 62 के बसंत अपार्टमेंट के लोगों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टेक महिंद्रा कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोनिका अरोड़ा ने उपस्थित लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से राज्यों का नियमित अभ्यास उन्हें हर प्रकार के तनाव से दूर रखता है। राजस्थान सिरोही में आबू रोड के राजकीय माध्यमिक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समेत कई स्कूलों में नैतिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आबू रोड से संस्था की बहनों ने बच्चों को आज्ञाकारिता, बड़ों का सम्मान, आपस में प्रेम व सहयोग की भावना रखने जैसे गुणों को धारण करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के मंदसौर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने कार्यक्रम में स्व उन्नति के लिए व्यर्थ से दूर रह स्व चिंतन और परमात्मा चिंतन करने का संकल्प लिया। अब पीस न्यूज की सभी मुख्य खबरों को कभी भी कहीं भी हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन करें www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।